विधानसभा चुनाव में करारी हार और लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी में मची अफरा तफरी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहली बार अपनी कार्यशैली बदलेगी, जिसे लेकर पीसीसी सुप्रीमो जीतू पटवारी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। साथ साथ ही जीतू पटवारी जल्द ही संगठन का विस्तार भी करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अपनी कार्यशैली बदलेगी एमपी कांग्रेस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बनाया नया एक्शन प्लान। कांग्रेस को नया आकार नया रूप देने में जुटे पटवारी। 20 मई को होगा जीतू पटवारी की नई रणनीति का खुलासा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जैसे जैसे उभरी कांग्रेस ने नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ा। दिग्गजों के चुनाव लड़ने के साथ ही आक्रामक प्रचार के कारण ही प्रदेश की 29 में से कुछ सीटों पर कांग्रेस ने अपना न केवल दम दिखाया बल्कि कांटे की टक्कर भी दी। अब परिणाम जो भी आए उससे पहले ही प्रदेश कांग्रेस ने दोबारा से कांग्रेस को जिंदा करने की नई रणनीति बनाई है। रणनीति क्या होगी, इसका खुलासा 20 मई को भोपाल में होने वाली बैठक में होगा। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी नई रणनीति रखेंगे, जिसे पहली बार कांग्रेस ने प्रोफेशनल से तैयार करवाया है। इस दिन सुबह से शाम तक अलग अलग बैठकें होंगी, जिसमें प्रदेश के सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद कांग्रेस एक नए तरीके से काम कर सकेगी, ऐसे कुछ सुझाव भी इस बैठक में आएंगे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव का मतदान होने के बाद पटवारी ने अब संगठन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि अब कांग्रेस की मुख्य कार्यकारिणी के साथ ही विभाग प्रकोष्ठों में भी बदलाव होगा। पीसीसी की नई टीम में युवाओं को तरजीह मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।